हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त नवीन स्वागत करता हूँ क्लैश हेल्पर्स में। ठीक है, आज जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको TH 10 पे लेके आऊँगा अपने। ये मेरा TH 10 है ऑलरेडी, मतलब मैक्स नहीं है। अभी मैं TH 9 से TH 10 में आया हूँ। पहले मैं वॉल्स करना चाहता हूँ, फिर बाद में डिफेंस करूँगा। तभी मैं डिफेंस लगी पड़ी है मेरी, आप देख सकते हैं। मैंने सुबह अभी जस्ट अभी पैसे कमाए हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बैलून और इसकी आर्मी यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ठीक है, 33 बैलून, वैसे मैं 39 बैलून और 45 आर्चर्स लेके जाता हूँ, 2 रेज और 7 हेस्ते, उसके साथ बैलून है हेस्ते। ठीक है, मेरी क्वीन सोई भी है, वो अभी ना अपडेट होगी, मैं उसी के लिए ब्लैक लेजर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नहीं है मैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा ऑलरेडी एक मैक्स अकाउंट है, उसका नाम है मॉडर्न नेपोलियन, और उसका रिव्यू अगर आप देखना चाहें तो एक और वीडियो है, उसको देख सकते हैं नीचे मेरे। ठीक है, ये मेरा बेस है, अभी मेरे ख्याल से किसी ने अटैक किया है, तो ये मेरा बेस है, फुल्ली मैक्स आउट है। क्वीन और किंग अब रह गई हैं, वो मुझे करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत आर्मी रह चुकी है। अब इसमें मैं आपको आज मैं इसके लिए लाया हूँ, मैं ब्रॉन्ज लिंग में ही अटैक करता हूँ TH 10। मैं आपको बता दूँ, TH 10, अगर आप गोल्ड और सिल्वर लूट चाहते हैं और अगर आप वॉल अपग्रेड करना चाहते हैं तो ब्रॉन्ज लिंग सबसे बेस्ट है भाइयों बहनों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अभी अभी मैं अटैक ही कर रहा था, आप देख सकते हैं, 3 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ट्रॉफीज गिराई, और आप ये देख सकते हैं आप क्या मैसिव लूट है, 17 आर्चर्स। अभी मैं आपको रिप्ले दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए भाइयों, लूट देखिए भाइयों, आप कितनी लूट है, आप देख सकते हैं, 7 लाख 6 लाख मुश्किल से मिलती है कभी कभार। ठीक है, पर मिल जाती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 4 लाख 5 लाख आम है यार, आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, आप देख सकते हो कि 2 एयर डिफेंस हैं बैलून के लिए, जो मेन चीज़ है वो है 2 एयर डिफेंस हैं, इनको उड़ाना बहुत आसान है। ठीक है, एक हस्ते के साथ मैंने 2 वो करे, पहली एयर डिफेंस गई इसकी। ठीक है, एक बैलून और छोड़ूंगा शायद, ये एक बैलून और छोड़ा, ये इसकी एयर डिफेंस गई। ठीक है, एक एक आर्चर टावर पर एक एक आप छोड़ दीजिए, इनफ है यार। अगर वो थोड़ा बहुत अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो वो जल्दी उड़ा सकती है। और ये देखिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा आर्मी नहीं, आप देख सकते हैं, थोड़े से 18 बैलून है यार, कुछ नहीं होता, 18 बैलून क्या होता है, थोड़ी सेकंड में बन जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। आप देखिए क्या मैसिव लूट है। ठीक है, किंग किंग आप अपना ना ऐसी जगह से छोड़ो जहाँ पे उसको दूसरे हीरोज, जो अपोनेंट के हीरोज़ हैं, वो आप वो टारगेट ना कर पाए। ठीक है, ये आपकी मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जल्दी से 96 में मैंने आउट कर लिया अपने आप को। ओके, आप यहाँ पे ऐसे बेसिस मिलेंगे, आप सोचेंगे ये बंदे खेल कैसे सकते हैं यार। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बेस दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी अभी जस्ट अभी अभी अटैक किया है। ठीक है, मैंने, आप इसका बेस देखिए भाई लोग, ये क्या है, ये सब कुछ मैक्स है, आर्मी कैंप देखिए उसकी मैक्स है, ये मैक्स, ये मैक्स, ये मैक्स, रिसोर्सेज मैक्स हैं सारे यार, और कलेक्टर्स भी मैक्स हैं। अब आप देख सकते हैं आर्मी उसकी एक ही है, बैरक मेरे ख्याल से, हाँ एक बैरक है, आप देखिए 2 बैरक से खेल रहा है ये बंदा। ठीक है, और उसके बाद आप लूट देखिए उसमें, 4 लाख 4 लाख मैंने बस क्या किया है। अब आप देखने दें, मैंने एक एक बैलून और सारी आर्चर्स, और एक एक आर्चर एक एक रिसोर्स पे छोड़ी हैं। और भाई मैंने एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, 90% करके ही आप निकलें, क्योंकि 90% में उनको 16 घंटे की शील्ड मिलती है। अगर ये बंदा इनएक्टिव हुआ तो 16 घंटे बाद बहुत तगड़ी लूट मिलेगी दूसरे बंदे को भी, पर इसमें मेरे ख्याल से मैंने गलत किया, 16 घंटे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिसोर्सेज तो है ही नहीं, तो फिर 16 घंटे की शील्ड मिलती है तो रिसोर्सेज फुल हो जाते हैं 16 घंटे में। ठीक है, तब भी मैंने 92% ये करा, 95% में मैं आउट आ गया। ठीक है भाई साहब, 4 लाख आप देख सकते हैं यार, ऐसी लूटें मिलना, अरे यार मुझे बहुत लूटें मिली थी, नीचे भी काफ़ी लूटें थी, मैंने शेयर नहीं कर पाया, मैंने मेरे ख्याल से एक शेयर की भी है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से 96% कौन सी है ये नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 96% ये वाली की है मैंने शेयर, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट आर्मी है यहाँ के लिए, एक अटैक लाइव करके दिखाएं, चलो एक अटैक लाइव चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अब हमें कैसी लूट मिलेगी। ठीक है, पहले मुझे अभी अपना वो नहीं याद है मैं कहाँ पे हूँ, अभी 2 सेकंड में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी ट्रॉफीज़ नहीं पता कितनी ट्रॉफीज़ में हूँ मैं। कोशिश करिए 730 के और 770 के बीच बीच में ही रहें। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छी लूट मिलने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अभी मैं 740 में हूँ, तो बहुत चांसेस हैं यहाँ पे आपको अच्छी लूट मिले। आप देख सकते हैं ऐसे ही बेसिस मिलते हैं यार, इंजीनियर बेसिस मिलते हैं यहाँ पे, ये ब्रॉन्ज लीग है तो इंजीनियर बेसिस मिलना आम बात है यहाँ पे।
अगर आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो सुबह सुबह कर सकते हैं आप, सुबह सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सुबह सुबह आपको बहुत अच्छी अच्छी लूटें मिलेंगी, आप जैसे देख सकते हैं सुबह आपको, क्योंकि सारे प्लेयर इनएक्टिव होते हैं सुबह के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है इंडिया, तो इंडिया में सुबह 5 बजे उठ के कौन खेलेगा यार गेम, कोई नहीं खेलता। तो अगर आप खेल पाएंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत लूट मिलेगी, वो भी 3 या 4 सर्चेज में। इस टाइम पे थोड़ा सा है क्योंकि सारे बंदे कहीं ना कहीं जाने से पहले, जॉब में जाने से पहले, कोई भी कहीं पे भी जाने से पहले एक बार एक दो अटैक तो करके चले जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं बेस से सर्च कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, थोड़ा देखते हैं। अभी थोड़ी किस्मत अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज के थोड़े बहुत फुल थे, मैं चाहता कर सकता था, पर ऐसे अटैक कभी मत करना यार। 1-2 लाख के लिए अगर आपने किसी पे भी अटैक कर लिया तो आप ये सोचना अगली लूट भी आपको वैसे ही मिलेगी। ठीक है, सर्वर का कोई प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से इसमें, कि सर्वर वही देखता है कि आप किस बेस पे लूट कर रहे हो और कैसे बेस आपको चाहिए। मेरे हिसाब से आगे आप, आपको जो आइडिया पसंद आए वो करिए, मैं तो यही करता हूँ। मुझे, मैं छोटी लूट देखता ही नहीं, मैं 3 लाख 4 लाख मिनिमम देखता हूँ, उससे कम में मुझे अच्छा भी नहीं लगता और ना मैं करना चाहूँगा। मुझे तो वॉर ही नहीं मिल रही, क्या करें भाइयों, कोई एक तो दिखे। मैं इसमें क्वीन और किंग पहले मैक्स करूँगा, उसके बाद अगले टीएस्ट में जाने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं जाइंट लगाया हुआ है मैंने अपग्रेड में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं TH11 पे करूँ तो फिर मैं TH11 पे भी कर दूँगा। अगर आप जैसे भी चाहते हैं TH11 पे भी कर दूँगा मैं, और ये 2 लाख 2 लाख वैसे मैं आराम से कर सकता हूँ इसको। आर्चर्स ज़्यादा इसलिए लेके जाइए क्योंकि क्वीन बहुत डैमेज मारती है यार, अगर आपने देखा हो तो क्वीन बैलून को बहुत डैमेज मारती है और बैलून उसको टारगेट नहीं करता जब तक वो डिफेंस नहीं ख़त्म कर पाता। ठीक है, तो डिफेंस ख़त्म करने से पहले आराम से पहले डिफेंस ख़त्म कीजिए आर्चर्स से, आर्चर्स आराम से क्वीन के सामने छोड़िए, डिफेंस ख़त्म कीजिए, फिर आराम से किंग को लास्ट में छोड़िए। किंग को जल्दी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किंग आपका मर जाता है तो फिर एक तरह की एक बैकअप आर्मी होती है बिना एलेक्सिस के, तो वो किंग है। ठीक है, किंग क्वीन साथ में हो तो बहुत मज़ा आता है। और अगर आपको कोई भी फुल बेस मिले जिसकी डिफेंस बहुत हाई है, जिस पर आप अटैक नहीं करना चाहते, और उसकी ये देखिए ऐसे लूट है, पर थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए भाइयों, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट हो गया मुझे, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी नीचे जाना पड़ेगा। एक 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 बाई अटैक करके डाउन मारता हूँ अपने ट्रॉफीज तो शायद मिल जाए। 12 ट्रॉफीज डाउन मारी हैं, मुझे यहीं पे ज़्यादा मिलती हैं यार। मैं आपको बताऊँ ब्रॉन्ज लीग मैंने ऊपर भी मास्टर्स में मैं गया नहीं, वैसे इसमें मास्टर्स में नहीं गया, अपनी मेन आईडी में मैं गया था मास्टर्स में इस टाइम पे भी, पर मुझे नहीं वहाँ पे खास अच्छी लूटें नहीं मिली। डार्क चाहे अच्छा मिले, अगर आप ये देख सकते हैं, अगर आपको आप देख रहे हैं तो ये बेस फुल है यार, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बेस नहीं है, जिस जो भी खेलता है अगर वो, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल बेस नहीं है। इसको मैं करूँगा और इसे मैं करूँगा फुल आर्मी से, क्योंकि अंदर क्वीन भी है वो भी है, करना तो फुल आर्मी से नहीं चाहिए पर मैं फुल आर्मी से नहीं करना करूँगा। ये देखिए जहाँ पे भी आर्चर्स होती हैं इनकी सपोर्ट में ना बहुत डेंजर हो जाती हैं, आर्चर्स सपोर्ट में बहुत डेंजर होती हैं, मैं आपको बता दूं पहले भी। ये देखिए मैंने कर दिया मेरा क्लियर, इसमें यहाँ पे ये एक आर्चर तो आर्चर उस पर, ये देखिए जस्ट एयर स्प्रेयर भी उड़ा दिया कीजिए यार, एयर स्प्रेयर भी बहुत ज़्यादा डैमेज कुछ नहीं करता पर तंग कर देता है यार, धुंधस चढ़ती है इससे, इसलिए मुझे तो बेकार लगता है एयर स्प्रेयर। और ये लेरिस आ जाते हैं हवा में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको छोड़ देता हूँ। और क्लैन कासल में भी बैलून है, लेवल 7 के बैलून बहुत डैमेज मारते हैं, जिस सबको पता ही है लेवल 7 के बैलून बहुत डैमेज मारते हैं। और हस्ते के साथ तो ये भाई वाह क्या बात होती है इनकी, आप देख सकते हैं लूट मैं इनफ कर लूँगा, 2 मिनट बचे हैं। हेस्ते यूज़ बहुत आराम से कीजिए, जल्दी नहीं होती, ठीक है, बस क्वीन अगर पीछे पड़ी हो तो आप जल्दी कर दीजिए, क्योंकि क्वीन एक ऐसी है जो आपको एंड में, आई एम सो सॉरी यहाँ पे मैंने हेस्ते गिर दिया यार, शिट, चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप इस वाले में, अगर आप नीचे अटैक करते हैं तो आपको ये ध्यान में देना पड़ता है, कहीं से भी वो निकल सकता है। किंग के पास निकला, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मेरा किंग, मुझे अपना किंग बहुत प्यारा है, किंग का अटैक इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे देख सकते हैं पूरा बेस में डिफेंस क्लियर हो चुकी है, क्वीन भी मेरे ख्याल से जाने वाली है, क्वीन चलेगी ठीक है। किंग आ गया यहाँ के, इनका किंग कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं है मेरे ख्याल से, बैलून और आज चलगी में ये देखिए किंग मेरा बिल्कुल सेफ है क्योंकि पहले मैंने उसका कर दिया था। अब आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा बूस्ट मारने का, अरे यार शिट, अच्छा ये टाउन हॉल पे चले गया, कोई बात नहीं, हम इजीली पूरी लूट कैप्चर कर लेंगे, हाँ टेंशन की कोई बात ही नहीं है, पूरी लूट बहुत इजीली कैप्चर होगी ठीक है। और कोशिश करें 99% में ही आप आउट हो जाएं, बाहर आ जाएं, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फुल है, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मुश्किल है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं 99% आउट करूँ, इसमें 100% करने की कोशिश है, कोशिश क्या होगी, लूट तो हो ही गई है। इसमें आपको बहुत धीरे से काम लेना पड़ेगा यार, अगर आप जल्दी जल्दबाजी करते होंगे और एक साथ ही सारी आर्मी छोड़ दें तो कहीं से भी कुछ भी, अगर एक साथ ही दो सीकिंग माइंस निकल गई तो आपकी गेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कितनी अच्छी लूट मिली है मुझे, 6 लाख 5 लाख, और कुछ ज़्यादा बड़ी आर्मी भी नहीं यूज़ की मैंने यार, ठीक है रिक्वेस्ट अगेन कर देते हैं। ओके ओके भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर आऊँ, गोल्डन लीग में आऊँ, मास्टर्स लीग में आऊँ, या फिर लेजेंडरी लीग में आ जाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ जिस लीग का आपको जो आंसर स्टेज चाहिए, मुझे, मैंने सारी लीग्स खेल रखी है, मैंने आपको बताया मेरे पास टॉप वो है, मैं लेजेंडरी लीग में अभी उसमें टाइटन लीग में हूँ, लेजेंडरी लीग में गया हुआ हूँ, तो मैं आपको हर लीग की मुझे पता है कि किस लीग में क्या उनसी आर्मी बेस्ट रहती है। वैसे अगर आपको पुश करनी है तो आपके लिए लावा लून और बैलून आर्मी बहुत अच्छी रहेगी, लावा लून और बैलून आर्मी आपको हर बारी 2 स्टार्स तो ईजिली दिलाए देते हैं अगर आप अच्छी तरह से अटैक करते हैं तो। अगर आप वो स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी ज़रूर दिखाऊंगा। और ओके भाइयों, आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो जब भी डालूंगा मैं आपको वो कर दूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू भाई लोगों, बाय।